In the figure shown, calculate the total flux of the electrostatic field through the sphere S1 and S2. The wire AB shown here has a linear charge density lambda given by lambda equals kx, where x is the distance measured along the wire from the end A. 3 marks question के हैं. क्वेश्चन में आपको गिवन है स्फीयर, दो स्फीयर. एक स्फीयर गिवन है आपको S1 और इसके अंदर चार्ज है कितना Q, और दूसरा एक और स्फीयर है इसके बाहर स्फीयर S2, और इसमें एक आपको लाइन दे रखी है, इस लाइन पर भी चार्ज है, लाइन AB, ये भी चार्ज है, प्लस ही कह के चलते हैं हम इसको, और यहाँ भी इस लाइन पर चार्ज है, और आपको फाइंड करना है स्फीयर S1 और स्फीयर S2 से पास्ड कितना फ्लक्स है, S1 से लिंक्ड फ्लक्स कितना है. तो सिंपल सी बात है, फाई ई टोटल लिंक्ड विद S1, सिंपल सी बात है, ये तो आपका बन जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है. लेकिन S2 से निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, फाई ई टोटल लिंक्ड विद S2, ये आपका होगा क्यू प्लस चार्ज ऑन AB डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. तो इस पूरे क्वेश्चन में कुछ भी समस्या नहीं है, केवल चार्ज ऑन AB फाइंड करना हमने, चार्ज ऑन AB फाइंड करना है. अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में आपको जो कहा गया है, ये AB यूनिफॉर्मली चार्ज नहीं है, यूनिफॉर्मली चार्ज नहीं है AB. मैं अलग से ये भी बना लेता हूँ, बस AB पर चार्ज फाइंड करना है और कुछ भी नहीं है. यहाँ ये लाइन है आपकी AB, इट इज नॉट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, इस पर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लगातार इंक्रीज होती चली आ रही है. यहाँ हल्का चार्ज है, आगे बढ़ते कैसे है, ये चार्ज इज इक्वल टू गिवन बाय कितना लिखा KX, है ना, क्यू इज इक्वल टू, सॉरी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू KX, ये आपको चार्ज गिवन है. एक्स क्या है, एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम एंड ए, यहां से ये डिस्टेंस है एक्स, ठीक है. अब कंसिडर स्मॉल एलिमेंट DX एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ए, ए से एक्स डिस्टेंस पर आपने छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किया, इस की लेंथ कितनी है DX है, देन स्मॉल चार्ज ऑन दिस एलिमेंट कितना होगा, DQ इज इक्वल टू लैम्डा DX, लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू द लेंथ. अब हमें पता करना है कि टोटल चार्ज कितना है इस पर, टोटल चार्ज कितना किस पर, ठीक है. अच्छा, लैम्डा कितना गिवन है आपको, लैम्डा गिवन है KX, तो KX DX हो गया, देन टोटल चार्ज ऑन AB, टोटल चार्ज ऑन AB क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DQ फ्रॉम 0 to L, L इज द लेंथ ऑफ AB, ओके, 0 to L KX DX, K कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए, 0 to X X DX, अब कितना बना बताओ, देखो क्यू इज इक्वल टू कितना बना, के एल स्क्वायर बाय 2, ये आपका टोटल चार्ज हो गया, किसके ऊपर हो गया टोटल चार्ज, AB पर. तो इसलिए अब आपका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद S2, लिंक्ड विद S2 कितना बनेगा आपका, क्यू तो है ही चार्ज, और कितना, हाफ KL स्क्वायर और है डिवाइडेड बाय
एप्सिलॉन नॉट, ये टोटल फ्लक्स हो गया लिंक्ड विद एस टू, ठीक है।